एक्सप्लोरर में आपका एक बार फिर से वेलकम है। तो आज की जो मेरी एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन जो मेरी रही है, इस सेंटेंस को मैंने एक्सप्लोर किया है। काफ़ी दिन से मैंने कहीं पढ़ा था कि हम खाने के लिए ज़िंदा हैं या ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। तो मैंने एक्सप्लोर किया कि हम भैया ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, खाने के लिए ज़िंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है और बॉडी में डाइजेशन होने में टाइम लगता है। जैसे अनाज को मैंने वीडियो में देखा था एक, कि 18 से 20 घंटे लगते हैं और फल सब्जियों को पचने में जो है 2 घंटे लगते हैं समथिंग, ये एक ऐसा एस्टिमेशन था। तो मैं 3 दिन से एक्सप्लोर कर रहा था अपने आप के साथ। मैं बड़ा अनईजी सा फील कर रहा था, मेरे को भारी भारी सा महसूस हो रहा था, ब्रीथिंग में थोड़ा सा इशू लग रहा था एंड ऑल, इस तरह की कुछ भागने दौड़ने में थोड़ा सा। मुझे क्रिकेट विकेट जब मैंने खेला तो 30s में होता है, 30s में आई थिंक बॉडी थोड़ा रेजिस्ट करती है जब हम ऐसे काम बड़े दिनों के बाद करते हैं, लेकिन ये भी इशू था। लेकिन 3-4 दिन से जो मैंने बैक में ऑब्ज़र्व किया कि मेरा खाना भी ऐसा हो रहा था, भटूरे छोले छोले समोसे एंड आफ्टर लंच एंड दिस एक्स्ट्रा समथिंग मैं कुछ खा रहा था जो चीज़ें, तो बॉडी नहीं चाहती थी। तो मैंने सिंपली उसको ऑब्ज़र्व किया कि अरे एक गाड़ी है जिसकी पेट्रोल कैपेसिटी 5 लीटर है, अगर मैं उसके अंदर 10 लीटर भरूंगा तो क्या होगा, अननेसेसरी वो ओवरफ्लो होगा। लेकिन बॉडी एक ऐसी पेट्रोल टैंक है जो ओवरफ्लो तो नहीं होगा, लेकिन ओवरफ्लो होगा हमें दिखेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं बॉडी में ही डस्ट की फॉर्म में, कचरे की फॉर्म में वो जमता रहेगा, वो चीज़ जो भी हम खा रहे हैं रस्ट की फॉर्म में कहीं ना कहीं हमें चॉक करेगा अंदर से। तो ऐसा ही मैं फील भी कर रहा था, मैं अपने अंदर से फील कर रहा था इस टाइप का कुछ, कि मुझे बहुत हैवियर फील हो रहा था। तो मैंने कहा चलो प्रैक्टिस करते हैं, इस वीडियो पे को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज मैंने मॉर्निंग में एक्सप्लोर किया, मैंने कहा आज कुछ नहीं खाऊंगा, फास्ट करूंगा। तो फास्ट टाइप मैंने कुछ ऐसा फास्ट कोई वो धार्मिक रिलीजियस व्यू के साथ नहीं करा, फास्ट सिर्फ ये करा कि आज सोमवार है तो सोमवार का कोई ऐसा रिलीजियस व्यू नहीं था। फास्ट करने का सिर्फ एक साइंटिफिक वो था कि हाँ भाई बॉडी के अंदर जो भी ऑलरेडी जमा जुमा है वो बॉडी उसी को खा के जो है अपनी जो है नीड पूरी कर ले, और एक्स्ट्रा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं मैंने महसूस करी। तो मैंने सिर्फ एक अमरूद, एक बोतल पानी और 2 कप चाय, इसी पे जो है मैंने आज का जो, लेकिन थोड़ा बहुत एकदम से बिल्कुल खाली भी नहीं छोड़ सकते हम, ड्राई फास्टिंग तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें हैबिट नहीं है उस चीज़ की। तो ठीक है, मैंने इसी से ट्राई किया। तो कायदे से मैं आज थोड़ा सा लाइटर फील कर रहा हूँ, वरना 3-4 दिन में 5 दिन का अपना अगर बैक वो देखूँ तो मुझे काफ़ी इस टाइम पे लंच के बाद एंड ऑल जाने सुबह उठने के बाद बड़ा नींद नींद वाला फील हो रहा था, बड़ा गिरा गिरा फील हो रहा था, जैसे आईज से दिख नहीं रहा है और बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है एंड समथिंग, इस टाइप की चीज़ें फील हो रही थी। तो लेकिन आज जो मेरा मूड है वो भी मूड भी एकदम हैप्पी है और अच्छा लग रहा है टोटल मिला के। सो यही डिस्कशन था कि भैया अल्टीमेटली कंक्लूड करता हूँ कि हम खाने के लिए ज़िंदा नहीं हैं, हम ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लोर किया अपने ऊपर, इसको प्रैक्टिस किया, होप आप भी इसको पसंद करेंगे, आप भी अप्लाई करेंगे। तो अगर ये सब चीज़ फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप भी ये फील कर रहे हैं तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके देखिए, इस चीज़ को फास्ट को एक्सपीरियंस कीजिए कि फास्ट आपकी बॉडी को क्या एक्सपीरियंस देता है, क्या मज़ा देता है। तो फास्ट फॉर फन, इट वाज जस्ट ए फास्ट फॉर फन फॉर मी एंड इट वाज जस्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय मी ऑन माय सेल्फ ऑन माय लाइफ एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस एक्सप्लोरेशन। होप यू लाइक, इफ यू लाइक